जी तो दोस्तों, आज सिंध असेंबली में दुआ भुट्टो का जो है वो दुपट्टा खींच लिया गया। तो दुआ भुट्टो इस पे बहुत ज्यादा फट पड़ी, तो इन्होंने क्या कहा, आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं। ये 40-45 लाख रुपए का रोज का खर्चा जो जहाँ से आप लोग जीत कर आए हैं अपने अपने इलाकों से, और उसके बाद यहाँ पर आके सिर्फ अपने पेट भरते हो, सिर्फ इस बुक के जो है इस मोटी उस बुक को सिर्फ इन पर्चियों से मोटा बना देते हो। अमल कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने पेट भरने हैं। वुमेन डेवलपमेंट का आपने खरबों अरबों का बजट रखा है। आप लोगों को पता भी है कि आवाम यहाँ से बकरियां चुप हो जाओ, बकरियों का मुंह बंद करवाएं आप, दुआ साहिबा बकरियां फिर से शुरू हो गई। दुआ साहिबा, आप असेंबली के फ्लोर पे खड़ी हुई है। आप मैंने सबकी स्पीच सुनी है, किसी भी मेंबर मैंने को? किसी को कुछ नहीं बोला, वो मैं करूंगी इनको। यहाँ से अगर कोई करवाएं इंटरफेयर अगर कोई करेगा तो मैं खामोश करूंगी। आपके बाद की लैंग्वेज रिमार्क्स नहीं पास करें ना। स्पीकर साहिबा, मैं आपसे, आप अभी भी बोल रही है ना, मैं आपसे कहती हूँ आप यहाँ तारीख रकम कर दे। उन बगैर तो है जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहले डिसीट कर दे। और यहाँ पर बताएं कि आपने इंसाफ किया है एक औरत के साथ जिसका दुपट्टा उतरा। आप यहाँ पे बैठे हुए क्या औरतों की इज्जत करेंगे जिनको ये नहीं पता, शायद उन लोगों ने दुपट्टे उतारे जिनकी माए नहीं थी, जिनकी बेटियां नहीं थी घरों में। क्या ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये पार्टी बनाई थी इसलिए कि तुम लोग यहाँ पर आओ और औरतों के दुपट्टे उतारो, औरतों के हाथ पकड़ो, औरतों की इज्जत पे हाथ डालो? ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं की थी, ये उनकी पार्टी नहीं है, ये जरदारी माफिया की पार्टी है। जरदारी माफिया बैठा है पूरा लीडरशिप पे, यहाँ पर जो है ये बात तय हो चुकी थी। देखिए आपके रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए एक बात तय हुई थी पर कोई तनकीद नहीं करेगा। फरदोस साहब, फरदोस साहब एक बात जो लीडरशिप पर हुई थी उसमें आप एक्सपेंस करा दे पार्टी लीडरशिप का नाम ले रहे हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ जिसने भी मेरे दुपट्टे उतारे हाथ पकड़े उसने अपनी माँ बहनों और उनसे बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं, उसने अपने जैसे अगर ये इंक्वायरी रिपोर्ट है ये की बातें करेंगी, आई एम सॉरी ये नहीं होगा। आप कहेंगे इनका माइक ऑफ करें, दिस इज नॉट द वे। मैं इस चीज पर ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये बिल्कुल दिस इज नॉट द वे। आप ऐसे बात करने का मौका दिया गया तो आप लीडरशिप पे तनकीद करें। आप कैसे लीडरशिप के बारे में ऐसे बातें कर सकती हैं? आप क्रिटिसाइज करें चलेगा, लेकिन आप इस तरह से लीडरशिप पे तनकीद को देखें दिस इज नॉट द वे। नो, अगर देखे अगर ऐसा काम हुआ तो अच्छी बात नहीं है, ऐसी बातें होंगी तो अच्छी बात नहीं है। बार बार आपको ये नामुनासिब बात है, इस पर आप अपॉलोजी करें, ये बिल्कुल नामुनासिब बात की है इन्होंने। ये करेंगी तो यहाँ से भी की जाएगी। देखिए माइक खुला हुआ है आपका माइक। मुकेश साहब एंड डिप्टी स्पीकर साहिबा, देखिए पहली दफा जब इस्तेमाल किया गया लफ्ज तो मैंने दुआ को रोका कि नहीं। अब ये जो मिसाल दी है इसमें कोई लीडरशिप को कोई गाली नहीं दी। नहीं नहीं, हम गाली का इंतजार नहीं करेंगे आपकी। इस तरह से मेरा दुपट्टा उतारा गया या छीना गया तो ये सोचो कि मुख्तावर का जैसे तुम लोगों ने उतारा। नहीं, इससे पहले टेबल इस्तेमाल किया, इससे पहले नहीं समझ आप उनको क्यों बीच में ला रहे हैं? सारी बात की गई है, आप लीडरशिप को बीच में नहीं लाएं। मैडम ऐसे बोलने को मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, मगर आप मजबूर कर रहे हैं मुझे ये बात बोलने के लिए। इन्हीं के हस्बैंड
इन्हीं मोहतरम एमपीए साहिबा के हस्बैंड खड़े होकर जब इधर की औरतों के लिए नावसा अल्फाज बोलते हैं, उस वक्त इनको डूब मरने का मकाम नहीं आया, उस वक्त इनको फर्स्ट मेरी अच्छा नहीं आया। अगर हम ये बात बोले, ये बात तो इसके लिए क्या बचेगा? हाउस में ऐसी बात खड़े हो जाते हैं। वाक्य अब हुआ है उसकी बात करो, चुप करो, बेशरम हो गए तुम खुद, तुम हो गए बेशरम। ज्यादा टिट नहीं करो, शर्म होता है जिसके बाद शर्म हो। तुम लोगों के बात करते हो, आपसे बात करने का मौका दिया गया, धुआं आप पे जाके क्रिटिसाइज शुरू कर दिए लीडरशिप पे, इस तरह से आपको बात नहीं करनी थी। मैडम ये वो अल्फाज वापस ले, उन पर अपोलोजाइज करें। देखें ये लीडरशिप पर बात जा रही है डायरेक्ट, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। हो गई थी कि हम लीडरशिप में नहीं जाएंगे तो बात दूर तक जाएगी, ठीक है ना? इस तरह से नहीं, ये कोई तरह ये से नहीं, करते। नहीं है इधर के, ये आपको बैठकर डिक्टेट करेंगे ये करो वो करो। जी आप तशरीफ रखिए जी, कल सुम चांदे हो साहिबा। कल सुम चांदे हो साहिबा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं ये मैं नहीं करने दूंगी आपको, आप लीडरशिप पे नहीं जाए। आप लीडरशिप पे क्यों जाते हैं? जब लीडरशिप की बात तय हो गई थी कि ना आप अगर करेंगी तो इस तरफ से भी लीडरशिप पे तनकीद होगी। जिसकी स्पीकर साहिबा लीडरशिप पे नहीं जाए, आपको किसी मेंबर से कोई शिकायत है आप उसके बारे में बात करें। आपको आपको अगर मेंबर किसी मेंबर से शिकायत है तो आप उसकी बात करें। एनर्जी टीम, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पीएनडी, सेक्रेटरी बात का सर्विस, सभी जो कार्यशील सा मुतवाजन बजट पेश की। मैडम जी जी आप बात करें। माइक नहीं बुलाओ, माइक नहीं बुलावा, माइक खोले। आ रही है आपकी आवाज आ रही है। देखे मेरे वतन, मेरे मुल्क, नए पाकिस्तान के नाम पे जिस तरह तकलीफ दी है, मैं उसको एक शहर से स्टार्ट करूंगी। जमीन छीन ली, जमीन छीन ली, जमा छीन ली। मैडम एक सेकंड, एक सेकंड सुनो मैडम। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो इधर के जेंट्स हजरात, अगर आप जवाब तो देंगे बड़े शर्म की बात है, ठीक है? बड़े शर्म की बात है, बोले ये ना करें, ये हाउस का माहौल खराब करना चाहते हैं। और अगर ये समझ रहे हैं कि ये इधर से बैठकर बोलेंगे हम स्पीच नहीं करने देंगे, हम देखते हैं कि इधर फिर कौन स्पीच करता है। अगर ऐसी बात करोगे आप, बहुत बुरी बात है। वो दिन चले आए, आप इधर से बैठकर ये धमकी हमें ना दो कि हम किसी को स्पीच नहीं करने देंगे। मैं कहता हूँ उसमें हिम्मत है, स्पीच नहीं करने देता। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले हो जाए, नून लीग वाले हो जाए, इन लोगों के लिए अपनी औरतें यानी कि जैसे बख्तावर भुट्टो या मरियम नवाज़ यही अफजल हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है इनके लिए तो पूरे मुल्क की औरतें वो औरतें हैं ही नहीं ना, उनकी इज्जत इज्जत है। तो दुआ भुट्टो का इन्होंने ना सिर्फ मोबाइल छीना बल्कि ये सिंध असम्बली की बात है, ना सिर्फ उनका मोबाइल छीना बल्कि उनका दुपट्टा भी खींचा, यानी कितनी गलीज हरकत है। और इस पर कोई एक्शन नहीं है क्योंकि ये लोग हुकूमती वालों में बैठे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं है। इसकी बाकायदा वीडियो भी बनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, वो अगर अपनी बात कर रही हैं तो उनको बात करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और अगर उन्होंने किया सब करते हैं, इन्होंने भी कर ली, इन्होंने जो भी अल्फाज कहे, चले हम कहते हैं कि हम उस पर तनकीद कर लेते हैं, इन्होंने बकरियाँ कहा या जो भी कहा हम उस पर तनकीद कर लेते हैं, लेकिन जो इन्होंने किया उस पर तो मतलब बेशर्मी की हदें और बेगैरती की हदें इन्होंने पार की हैं। तो व्यूअर्स आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।